हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम पास पे। गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, फटाफट आ जाइए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हाय निधि, गुड इवनिंग बाबू। हाय सुस्मिता पुनिया मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अच्छे बच्चे, आप बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है, सबका स्वागत है। फटाफट आ जाओ गाइस, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आई थिंक कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, कुछ लोग क्या कोई नहीं आया। विवेक, गुड इवनिंग भाई, प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या, क्या हाल चाल है दोस्त, कैसे हो आप। सो फटाफट आ जाओ गाइस, जल्दी जल्दी आ जाओ सबके सब लोग। चारुल, गुड इवनिंग बाबू, वेरी गुड इवनिंग। और आ जाओ चारुल, एक बार ग्रुप में शेयर कर देना, एसएससी वाले ग्रुप में, जो लाइव बैच का ग्रुप है जहाँ पे हम लोग लिंक शेयर करते हैं सारा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, डेली डिस्कस करते हैं बिट्टू सुबह 8:30 बजे और रात के 9 बजे। दो सेशन होते हैं, दो के दोनों सेशन इंपॉर्टेंट सेशन होंगे आपके लिए गाइस आज के टाइम पे। दोस्तों आपने देखा होगा, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, गाइस कोई सा भी एग्जाम हो, सब में एक क्वेश्चन आते ही आपके स्टैटिक अवेयरनेस से। गाइस बैंक में भी ज्यादा सेशन रहा था, एसबीआई क्लर्क मेंस में स्टैटिक के पोर्शन, और ये आपके बात करें एसएससी में, तो एसएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को छोड़ के स्टैटिक और करंट ज्यादा पॉइंट आउट किए जा रहे हैं, सब जगह ये कंडीशन चल रहा है। सो दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलो, डेली की डेली ये दो सेशन, सुबह 8:30 और रात के 9, दो टैबलेट खाने आपने एक 12 घंटे के गैप पे। सो गाइस याद रखना ये 8:30-9, सो गाइस दो सेशन याद रखना। अच्छा, कैसा रहा संगु, इंटरव्यू कैसा रहा तेरा, क्या रहा, क्या पूछा उन्होंने, प्रणाम भाई संग्राम। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज बुक एंड ऑथर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं सेशन। और गाइस पहला बुक है बिट्टू, हमने इसका पिक्चर लगाने की कोशिश किया था, पिक्चर अगर लगाते तो शायद आप पकड़ लेते किसकी बुक है। हाय अदिति, बहुत दिन बाद, क्या बात है। सबनम मैम, वेरी गुड इवनिंग। हाय रतिन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या, प्रणाम, नमस्कार। सो फटाफट आ जाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। अशोका, इरविन एलन, सैली, अमित त्रिपाठी, रामचंद्र गुहा, प्रियंका चोपड़ा या फिर कोई और। सो दोस्तों आपको जवाब देना है इसके बारे में। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे टाइमर रहेगा, अब सही रहेगा आपका, ठीक है। हाय सुनिष्ठा, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप। प्रतीक चौधरी, सर ऑफलाइन कब क्लास लोगे। प्रतीक सर कुछ फिक्स नहीं है भाई, प्रतीक भाई कुछ भी फिक्स नहीं है। सो गाइस याद रखना, अभी कुछ फिक्स नहीं है सर, बताते हैं जैसा होता है, अभी ब्रांच ओपन हो जाता है तो जैसा होगा डिस्कस करेंगे। हाय बेटू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, अशोका किसकी बुक है। गाइस बुक एंड ऑथर के ऊपर सेशन है, सॉरी बुक एंड ऑथर के ऊपर सेशन है गाइस, बुक एंड ऑथर। So, दोस्तों आज का सेशन है, याद रखना। यार ये कहां, ठीक है। सो बेटू ये पहला क्वेश्चन है, अशोका, अशोका किसकी बुक है। सो गाइस याद करें, करेक्ट आंसर इज कौन होगा, तो अशोका किसकी बुक है गाइस, तो ये बुक है आपका किसका, तो गाइस सैली, यानी क्या, इरविन एलन सैली, इट्स करेक्ट आंसर इज। अभी रेसेंट की बुक है दोस्तों, अभी जस्ट रेसेंट की बुक आई है गाइस, मनीषा शेख, वेल डन मनीषा, वेल डन बाबू, सुपर्ब, वेल डन, गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, वेल डन। सॉरी हमने आज कमेंट नहीं पढ़ पाए, अभी पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का कमेंट पढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन बताओ, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज गाइस, ये बुक हाईलाइट हुई थी, आपको याद होगा, बदनाम, आगे आपको जवाब देना है, बदनाम कौन गाइस, लाडो, बदनाम लाडो इसका टाइटल था गाइस। आपको पता होगा एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसमें आपने देखा होगा एक स्पर्म डोनर के लिए भटक रही थी, वो कौन, बदनाम लाडो। सो गाइस याद रखना इसके टाइटल होगा बदनाम लाडो, इसको लिखा किसने है दोस्तों, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। और प्रतीक सर अभी कुछ फिक्स नहीं है सर, अभी जब ऑनलाइन ही है, अभी उन लोगों ने मेरे को कॉल नहीं किया एक्चुअली, जैसा होगा डिस्कस होगा सर बताएंगे। बट जहां तक है ऑफलाइन मुश्किल है, प्रतीक भाई, प्रतीक चौधरी सर, ऑफलाइन मुश्किल है सर। अच्छा या एग्जैक्टली सवनम, एग्जैक्टली मिस्टर राइट, स्पर्म डोनर, वेल डन। और रतिन भाई, सुस्मिता पुनिया, चारुल, सवनम, वेल डन विवेक, सुपर बाबू, सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज मेघना पंत। गाइस याद ना मेघना, हाय आफरीन, गुड इवनिंग बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो गाइस याद ना, इट्स करेक्ट आंसर इज मेघना पंत, जिसकी जिनकी बुक का टाइटल का नाम है गाइस क्या, तो बदनाम लाडो, टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज गाइस। हेलो आशुतोष सर, नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसा ऑफिस है आशुतोष सर, ऑफिस कैसा चल रहा है आपका।
गाइस इसका जवाब दो, स्टार स्टक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस आपको टाइम जवाब देना है विद इन 15 सेकंड्स, आपके टाइमर चल गया है, आप टाइमर देख सकते हो, आपका चल गया टाइमर, फटाफट जवाब दो। राजकुमार राव, संगीत पॉल, पीटर मुखर्जी, अरुंधति रॉय या मेघना पंत। सो दोस्तों फटाफट जवाब दो, स्टार स्टक कन्फेशन, गाइस स्टार स्टक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। वेल डन अदिति, सपना, मंसुमन सर, वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा छुट्टी पर आशुतोष सर, ओके। सुष्मिता मैम, वेल डन। सुनिष्ठा, वेल डन बाबू, वेरी गुड। विवेक बोले नो आइडिया। विवेक अभी जस्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने, करंट का न्यूज है बच्चे। और गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज पीटर मुखर्जी। वेल डन गाइस, टाइम अप हो गया है और वेरी गुड। ब्रजेश गुड इवनिंग बाबू, भैया फटाफट आ जाओ, जवाब दो, पीटर मुखर्जी। दोस्तों याद ना, पीटर मुखर्जी, स्टार स्टक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव। दोस्तों ये अभी न्यूज में था। हाय पूजा, गुड इवनिंग बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। और टाइमर याद रखना, टाइम ध्यान देना, टाइम आपको उसी टाइम पर आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना उसी समय पे, ठीक है, विद इन 15 सेकंड्स के अंदर जवाब देने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर रहा ये, गाइस टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस फटाफट जवाब दो, अमित शाह, जुवेल ओरम, आरपी गुप्ता, राम नरेश या नन ऑफ द अबव। एग्जैक्टली प्रतीक चौधरी सर, ये प्रॉपर सीजीएल के लिए है सर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएफ, बैंक, पीओ, क्लर्क, आपके रेलवे, क्योंकि ये बुक एंड ऑथर जो हाईलाइट, और ये अभी आपके 10 से 15 दिन के बुक एंड ऑथर के ऊपर सेशन है गाइस, 15 दिन के बुक एंड ऑथर के ऊपर ये सेशन है गाइस। गाइस फाला फड़ा, टाइम अप गाइस, टाइम अप। और गाइस याद करना जुवेल जी, और गाइस यहां पे लोग लिख रहे हैं जुवेल ओरम, बेटू याद करें, ये बुक एंड ऑथर, ऑथर की बात की जा रही है, इनॉग्रेटर की बात नहीं की जा रही है, जिसने रिलीज किया उसकी बात नहीं की जा रही है। दोस्तों मेरी बात याद रखना, एग्जैक्टली सबनम, सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड। सबनम और रतिन ने जवाब सही दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट जवाब दिया है, इट्स करेक्ट आंसर इज आरपी गुप्ता। बेटू याद ना, जुवेल ओरम ने, गाइस जुवेल ओरम ने रिलीज किया है बच्चे, जुवेल ओरम ने रिलीज किया है दोस्तों, ऑथर्ड बाय, पेंड बाय या फिर रिटन बाय कौन, तो गाइस याद ना आरपी गुप्ता। और गाइस जुवेल ओरम ने इनॉग्रेट किया है, रिलीज किया है दोस्तों, ठीक है। सो वेल डन, वेरी गुड गाइस, ऐसा क्वेश्चन गलत करके मत आना बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां जुवेल ओरम का नाम हाईलाइट रहता है, क्यों, क्योंकि जुवेल ओरम ने इनॉग्रेट किया था गाइस, याद रखना, बट एक्चुअल इसके ऑथर या पेंड बाय किसके द्वारा, आरपी गुप्ता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली संगू, अगर रिलीज या इनॉग्रेटेड बाय तो जुवेल ओरम, और रिटेन या पेंड बाय किसके द्वारा, तो आरपी गुप्ता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस टाइम स्टार्ट हो गया, विद इन 15 सेकंड्स जवाब देने हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स किसका है गाइस, ब्यूटीफुल थिंग्स किसने लिखी है ये बुक, जो बिडेन, जो बाइडेन, हंटर बाइडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस। और टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। और भैया यहां पे समय जवाब आना शुरू हो गया, और बेटू ने जवाब दिया सी कौन, अच्छा उसका, और सबनम ने जवाब दिया यहां पे हंटर, ओके। और संगू, पूजा सिंह, बेटू पटेल, सबनम कौशल, बी आफरीन, बी हंटर बाइडेन, ओके। गाइस फटाफट जवाब दो, मनीषा, निधि, चारुल, ब्रजेश, विवेक, वेल डन, सुपर दोस्तों, बहुत अच्छे। इट्स करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन बी, हंटर बाइडेन। गाइस हंटर बाइडेन की द्वारा लिखी हुई ये बुक है, और हंटर बाइडेन कौन है गाइस, जो बाइडेन के सुपुत्र जी है, याद ना, जो बाइडेन के सुपुत्र है गाइस हंटर बाइडेन, उन्होंने ये बुक लिखी है, ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है ये, गाइस द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस कोई नहीं रतिन, कोई इशू नहीं है, अब जवाब याद रखना, फटाफट जवाब दो, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। गाइस ये आपके सारे पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सारे पढ़े हुए हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। गाइस इरविन एलन सैली, अमित त्रिपाठी, राम, टाइम अप, रामचंद्र गुहा, प्रियंका चोपड़ा या नन ऑफ द अबव, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। गाइस द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी बुक लिखी हुई बुक है गाइस। हाय रोशनी, गुड इवनिंग बाबू, रोशनी शास्त्री, और सुनिष्ठा का जवाब आ रहा है सी, निधि, सुष्मिता, सवनम, चारुल, ब्रजेश और संगू।
वेल डन विवेक, सुपर निधि, एग्जैक्टली मेरे बच्चे, सुपर, वेल डन गाइस, वेरी वेरी गुड। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आरसी गुहा, यानी रामचंद्र गुहा साहब इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, वेल डन गाइस, वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहिए। रामचंद्र गुहा दोस्तों, याद रखना आप सभी ने, वेरी गुड सुपर। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको एंड टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों फटाफट जवाब दो, ये बुक किसने लिखी हुई है गाइस? मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन गाइस, कौन सा हिमालय? सिंह, डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला एंड बीरेन सिंह, अमित त्रिपाठी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। एग्जैक्टली रामचंद्र गुहा ने ही लिखा है आशुतोष सर। और मनीषा शेख का जवाब आना शुरू हो गया। मनीषा मैम वेल डन बच्चे, सुपर, विवेक, संग्राम। गाइस फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप सभी लोग, बिना लेट किए हुए दोस्तों, जल्दी जल्दी मतलब ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों, फटाफट। और गाइस प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और गाइस एग्जैक्टली इसको इनॉग्रेट किसने किया, पर इसको रिलीज किसने किया? तो इसको रिलीज किया है नजमा हेप्तुल्ला ने। और गाइस याद में इसको लिखा किसने है? कौनसम हिमालय सिंह ने। गाइस कौनसम हिमालय सिंह ने? गाइस याद में हिमालय नाम आया तो हिमालय इको। गाइस ऐसे नाम कोरिलेट करना आपको याद रहेगा। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, कौनसम हिमालयन? हिमालय सिंह। गाइस याद ना, नजमा हेप्तुल्ला ने इसको रिलीज किया था दोस्तों, ये गलत मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। एग्जैक्टली, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। गाइस ये क्वेश्चन हम 100% में से कह सकते हैं, 80-85% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और समय शुरू होता है अब, और जवाब देना शुरू कर दो गाइस। एस वाई कुरैसी, सुनील अरोरा, नसीम जैदी, बिमल जुल्का या नॉन ऑफ द अबव। गाइस टाइम अप हो रहा है भैया, फटाफट जवाब दो, जल्दी जल्दी, दो एक, टाइम अप। गाइस द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। गाइस किसने लिखा है? एस वाई कुरैसी, सुनील अरोरा, नसीम जैदी, बिमल जुल्का। और फटाफट जवाब दे दो गाइस। आपको बता दें ये सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे गाइस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इंडिया के फॉर्मर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी में सुनील अरोरा है गाइस, जो इंडिया के 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीईसी। और इसको लिखा है किसने? एस वाई कुरैसी साहब ने। गाइस किसने लिखा है? एस वाई कुरैसी साहब ने बुक को लिखा है दोस्तों, याद रखना है आप सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन को रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अंडर आवर नोज। गाइस राइट अंडर आवर नोज, फटाफट जवाब दे दो दोस्तों, समय शुरू होता है अब। ये रहा अब, ओ सॉरी यार, ये क्या हो जाता है, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस। आर गिरधरन, सबनम मैम, वेल डन बच्चे, सुपर, वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस। ऐसा ही जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए। शक्तिकांत दास, एम एम नरवाने, आर गिरिधरन, रघुराम, गोविंद राजन, सुभाष, शिवरतन मुंद्रा, एस एस मुंद्रा, बेटू, चारुल, मनीषा, विवेक, विवेक ने गलत कर, ब्रजेश, रतिन, आफ्रिन, वेल डन, सुपर, आर गिरिधरन। बच्चे याद ना, आर गिरिधरन, राइट अंडर आवर नोज, वेल डन, सुपर, वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे लगे रही है दोस्तों, लगे रही है, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे। वो कहते हैं ना गर्दा उड़ा दिया, आर गिरधरन, राइट अंडर आवर नोज। हाय सुभाषमिता, गुड इवनिंग बाबू। और गाइस एग्जैक्टली, और सबनम लॉन्च्ड बाय आरबीआई। गाइस आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया था गाइस, आरबीआई, और क्योंकि ये आरबीआई के एम्प्लॉई है बच्चे, ये कौन है? तो आरबीआई के एम्प्लॉई है कौन? आर गिरिधरन साहब, ठीक है। वेल डन संगू, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ये जवाब दो, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। दोस्तों इसका जवाब दीजिए, कोविड-19 एंड टाइम स्टार्ट नाउ। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान गाइस, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान गाइस, ये बैक टू बैक, बैक टू बैक ये है। और प्रतीक चौधरी सर का जवाब आ रहा है, दीपक मिश्रा और मनीषा शेख मैम, ऑप्शन ए, यानी कौन? कैलाश सत्यार्थी। गाइस फटाफट जवाब दीजिए, कौन है ये गाइस?
और बेटू याद रखना दीपक मिश्रा लग रहा है विवेक का जवाब। बेटू आपको बता दें दीपक मिश्रा साहब जो हमारे इंडिया के सॉरी सुप्रीम कोर्ट कैसे आप कहा इंडिया भी कर सकते हो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया था इसको क्या किया था सो गाइस इस कह सकते हो आपने इन्होंने इसको पब्लिश ऐसे कह लो कि रिलीज किया था रिलीज बाय किसके द्वारा सो गाइस याद करना दीपक मिश्रा बट इट पेंड बाय यानी लिखा किसके द्वारा है कैलाश सत्यार्थी ने क्या इसको लिखा किसने है कैलाश सत्यार्थी। हाय राकेश गुड इवनिंग बाबू वेरी वेरी गुड इवनिंग आ जाओ फटाफट जवाब दो गाइस कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान गाइस किसका है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है ओह मिजोरम गाइस ये किसकी बुक है ओह मिजोरम दोस्तों जवाब दीजिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओह मिजोरम। एग्जैक्टली बहुत अच्छे सो फटाफट जवाब दीजिए एंड टाइम स्टार्ट नाउ टाइम तो स्टार्ट ही है बंदी हो गया था चलो कोई नहीं गाइस फटाफट जवाब दो ओह मिजोरम किसने लिखा है ये बुक गाइस ओह मिजोरम नाम की बुक किसने लिखा है वेंकैया नायडू पी एस श्रीधरन पिल्लई नजमा हेपतुल्ला अमित शाह या नरेंद्र मोदी गाइस आपको जवाब देना है ओह पी एस श्रीधरन पिल्लई और गाइस इसको रिलीज किया किसने किया था हमारे के वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन एम वेंकैया नायडू जो हमारे देश के दोस्तों याद ना 13 नंबर के गाइस 13 नंबर के क्या हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं गाइस याद ना और इसकी बुक लिखी किसने है पी एस श्रीधरन पिल्लई गाइस ये गवर्नर हैं कहां के सो दोस्तों याद ना मिजोरम के पी एस श्रीधरन पिल्लई ओह मिजोरम नाम की इनकी बुक आई थी गाइस एग्जैक्टली बच्चे वेरी गुड नजमा हेपतुल्ला गाइस एन बीरेन सिंह यानी कि मणिपुर याद ना एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला अमित शाह आपको पता ही है इन्होंने भी अभी आएंगे इनका भी नाम मोदी जी का भी नाम आएगा इनकी यात्रा के ऊपर सो गाइस आपको बता दे ओ मिजोरम पी एस श्रीधरन मिजोरम से मिजोरम के गवर्नर ही है जिसको इसने रिलीज किसने किया था वेंकैया नायडू साहब ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं एंड टाइम स्टार्ट नाउ दोस्तों जवाब देना धर्मा धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ धर्मा या धर्म धर्म पढ़ते हैं एक्चुअली में टाइम अप हो रहा है दोस्तों जवाब दीजिए जल्दी जल्दी 4 3 2 1 टाइम अप गाइस और मनीषा शेख मैम का जवाब आ रहा है ए एंड बी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके मनीषा की तरफ से राकेश भाई डी सुष्मिता मैम संगु सबनम राके रतीन आफरीन पूजा अमित त्रिपाठी पूजा केवल एक नहीं है अमित त्रिपाठी एंड भावना रॉय और एग्जैक्टली मेरे बच्चों इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेल डन गाइस सुपर्ब इट्स करेक्ट आंसर इज अमित त्रिपाठी एंड भावना रॉय सो गाइस याद करना अमित त्रिपाठी के एक और बहुत फेमस बुक है गाइस जिनका नाम है मेलुहा के मृत्युंजय गाइस याद करना मेलुहा के मृत्युंजय गाइस याद करना मेलुहा के मृत्युंजय इनकी एक बहुत फेमस बुक रही है अमित त्रिपाठी की सो दोस्तों याद करना एग्जैक्टली पूजा बातों में कुछ नहीं रखा है सॉरी संघु भावनाओं को समझो बातों में कुछ नहीं रखा है सो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड डी यानी कि डी ऑफ द डी इज द करेक्ट आंसर ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर या एग्जैक्टली पूजा अमित त्रिपाठी की बुक थोड़ी डिवोशनल होती है यानी कह सकते हो ट्रेडिशनल बुकें होती हैं शिव जी के ऊपर ज्यादा इन्होंने बुक लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस गाइस रासथी या रासाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर गाइस रासथी आपको जवाब देना है रासथी और गाइस इसको लिखा है किसने ए शशि शशिंद्रन कलिंकील ओके गाइस याद करना रासथी मतलब प्रिंसेस होता है रासथी मतलब प्रिंसेस रासथी मतलब प्रिंसेस और गाइस याद करना ये एक्स एसपीजी ऑफिसर रह चुके हैं दोस्तों ये सीआरपीएफ में थे ठीक है याद करना कौन शशिंद्रन कलिंकील
कलिंकिल, ससिंद्रन कलिंकिल। दोस्तों याद रखना, राम राम चिराग भाई, राम राम, हर हर महादेव। कैसे हैं चिराग सर? तो गाइस याद कर, रासती द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर किसने लिखा है? ससिंद्रन कलिंकिल। गाइस रासती का मतलब होता है प्रिंसेस, और गाइस इसको लिखा किसने है? एक्सएसपीजी ऑफिसर ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Guys, pandemonium, guys, pandemonium, the great Indian banking tragedy. और guys, ये NPA के ऊपर ये बुक है दोस्तों। NPA यानी कि non-performing assets, guys, non-performing assets के ऊपर ये बुक लिखी गई है मेरे बच्चों। So guys, time start now, फटाफट जवाब दो। Pandemonium, pandemic से pandemonium बनाया गया दोस्तों, ठीक है? तो guys, the great Indian banking tragedy. So guys, बंदोपाध्याय, रघुराम गोविंद राजन, आर गिरिधरन, उषा थोराट, नचिकेत मोर। टाइम अप गाइस, और यहाँ विवेक का जवाब आ रहा है रघुराम गोविंद राजन। सुस्मिता बोली नहीं पता सर। पूजा मैम बोली टीट बंदोपाध्याय। चारुल, निहारिका यादव, आफरीन और मनीषा, मनीषा बोली कंफ्यूज्ड। हाँ मनीषा, ऑप्शन ऐसे ही है कंफ्यूज होने वाले। रतीन ए, चारु ए। गाइस एग्जैक्टली मेरे दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गाइस टी बंदोपाध्याय। वेल डन दोस्तों, सुपर। जिनका आंसर है गाइस टी बंदोपाध्याय इज द करेक्ट आंसर। और गाइस ये एनपीए के ऊपर लिखी हुई बुक है दोस्तों। किसके ऊपर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गाइस जो बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैंकों के ऐसे लोन या बैंकों के ऐसे कह सकते हो जो भी है लोन ऐसे कह लो, बैंकों के ऐसे लोन जो बैंकों को रिटर्न प्रोवाइड ना करे, या बैंकों के लोन यानी कि क्या, ऐसे याद रखना। ये बैंक है, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। ये बैंक है, ये हम है और आप है। अब ये मत बोलना कि सर आप ऐसे हैं, गंजे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैंक है, ये हम है। बैंक ने मेरे को लोन दिया, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोन क्या होगा, एसेट्स या लाइबिलिटी? गाइस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होगा, एसेट्स या लाइबिलिटी? फटाफट जवाब दो। बैंक ने मेरे को लोन दिया, गाइस मेरी बात गौर से सुनना, बैंक ने मेरे को लोन दिया, ठीक है, और गाइस ये क्या हुआ, तो बैंक की इंडस्ट्री एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा? क्योंकि भाई बैंक ने मेरे को दे रही है, और मेरे लिए क्या होगा ये? यार 90 डेज एनपीए, एग्जैक्टली पूजा वही चीज समझा रहे हैं यहां पे। तो बेटू याद रखना, आप तो शायद लेट से कमेंट पढ़ रहा है आपका, आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा यहां पे। प्रतीक भाई पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में, डोंट वरी, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। सो गाइस बैंक जो हमें लोन देगा, बैंक लिए क्या होगा, एसेट्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं, बैंक के ऐसे लोन या बैंक के ऐसे एसेट्स जो बैंक को 90 डेज तक रिटर्न प्रोवाइड ना करे, बैंक इसको किस में मेंशन करता है, एनपीए। तो गाइस जो बैंकों के जो एनपीए बढ़ रहे थे, उस एनपीए के ऊपर ये बुक लिखा हुआ था पैंडेमिक के दरमियान। सो गाइस याद रखना, पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये लिखा किसने, टी बंदोपाध्याय ने, और यही बुक हाईलाइट है गाइस, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, और गाइस इसको जवाब देना है आपको, ठीक है। सो गाइस जो उंगलियों को घुमाएगा वही विजेता कहलाएगा, ऐसा बोलना पड़ेगा कुछ क्या। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट ऑथर्ड बाय, गाइस एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? गाइस सरबप्रीत सिंह, सरबजीत सिंह, शशि थरूर, जयराम रमेश या नन ऑफ द अबव? गाइस फटाफट जवाब दो। और सुष्मिता का जवाब आ रहा है शशि थरूर। ओके तो सुष्मिता मैम, जब शशि थरूर का ये बुक है, जब शशि थरूर का ये बुक है, तो वाई आई एम ए हिंदू ये किसकी बुक है? गाइस गाइस गाइस, इट्स करेक्ट आंसर, इट्स करेक्ट आंसर इज सरबप्रीत सिंह। बेटू याद करना, ये सरबप्रीत सिंह ने इस बुक को लिखा है, और बेटू ज्यादा दूर नहीं जाना, आपने देखा होगा बीजेपी वाले हमेशा कटाक्ष मारते हैं कि 1984 में गाइस जो क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था सिखों के ऊपर, सिख नरसंहार जिसको बोलते हैं, सिख मैसायर क्या बोलते हैं। सो गाइस वही, उसी के ऊपर ये बुक लिखा हुआ है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। गाइस याद करना सरबप्रीत सिंह, गाइस जो सिख नरसंहार हुआ था 1984 में दोस्तों, आपको याद रखना है 1984 वाली बुक, एंड जो सिख नरसंहार जिस समय इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, सरबप्रीत सिंह ने इस बुक को लिखा है, गाइस आपको याद रखना है दोस्तों। ब्रजेश कूटे जाओगे, शांति से बैठे रहो शांत, अभी ये सब कुछ कमेंट नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं।
आप प्रतीक भाई पीडीएफ, प्रतीक चौधरी सर, ये पीडीएफ आपको एग्जाम पास टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा सर, हम आपको वहां पर शेयर कर देंगे सर इसको टोटल। अब ये पार्ट वन है सर, पार्ट टू भी लेके आएंगे, डोंट वरी, इसका पार्ट टू भी आएगा। जस्ट एक से दो महीने के जितने भी नए नए बुक आए दोस्तों, सारे बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय मानसी, गुड इवनिंग बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। गाइस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? गाइस ससिंद्रन कलिंकील, मनीष झा, अविनाश विथानला या चेतन भगत और एक शशि थरूर है। गाइस इस बुक के ऑथर कौन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? गाइस फटाफट जवाब दो, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। गाइस ये बुक मनीष, विवेक बोल रहे मनीष झा ने इस बुक को लिखा है, शशि थरूर ओके, और मनीष झा की सवनम बोल रहे मनीष झा, गाइस एक चीज याद रखना बेटू, ये कुछ ये नहीं आंसर है, ये नहीं आंसर है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, शशि थरूर। गाइस शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर, शशि थरूर। गाइस ये बैटल ऑफ बिलोंगिंग इन्होंने ही लिखा है, वाई आई एम ए हिंदू। गाइस इनको बोला जाता है जम्मू कश्मीर के दामाद, इनको क्या कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के दामाद। क्या कहा जाता है इनको, जम्मू कश्मीर के दामाद। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सुनंदा पुष्कर, ठीक है, सुनंदा पुष्कर यहीं से बिलोंग करती थी, ठीक है, इन्हीं की वाइफ है, धर्मपत्नी थी, है नहीं थी। सो गाइस याद करना, शशि थरूर, बैटल ऑफ बिलोंगिंग, वाई आई एम ए हिंदू का दूसरा पार्ट है गाइस, इन्हीं का है सबनम, इन्हीं का है, वाई आई एम ए हिंदू इन्हीं की बुक है सबनम। और गाइस ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एमपी है बच्चे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोस्तों, कहां से एमपी है। सो गाइस आपको याद रखना है, ये एमपी है तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की बात करें दोस्तों, इज द कैपिटल ऑफ केरला। गाइस तो आपको याद करना शशि थरूर। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं बच्चों, अगले सेशन को, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स ऑफ किड्स। गाइस और ये आपको बता दें, ये किसने लिखा है, ये बाहुबली के राइटर ने लिखा है, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। अच्छा ब्रजेश, अच्छी बात है। गाइस द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, गाइस ये वही उन्होंने ही लिखा है जो बाहुबली मूवी को लिखे हैं, आनंद नीलकंठन, शुभादीप रॉय, शिलादित्य बोस, कुंडक्का या मुंडक्का। गाइस आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दो जल्दी जल्दी। और आपको बता दे बच्चों, वेल डन, सुपर गाइस, वेरी वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज आनंद नीलकंठन। गाइस आनंद नीलकंठन। और बेटू आपको बता दें, ये असुरा टेल्स, असुर मतलब दैत्य, दानव, असुर मतलब दैत्य, दानव। सो गाइस यहां पे दो दानव, दो दैत्यों की कहानी है, एक है कुंडक्का और एक है मुंडक्का। गाइस याद रखना, ये जो नाम है ये एक है, ये दो है, एक है कुंडक्का और एक है मुंडक्का, ये दो दैत्य, दो असुर थे, इन्हीं के ऊपर एक कहानी है। गाइस याद रखना, मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए दोस्तों, याद रखना, आनंद नीलकंठन ने लिखा है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं ये दोनों कटप्पा के बच्चे हैं, कूटे जाओगे संगू। नेक्स्ट पॉइंट, बापू द अनफॉरगेटेबल। गाइस बापू द अनफॉरगेटेबल, गाइस मनोज तिवारी, अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों जवाब दीजिए, बापू द अनफॉरगेटेबल। गाइस फटाफट जवाब दीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बापू द अनफॉरगेटेबल? गाइस मनोज तिवारी, अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, इनके नाम क्या, श्री 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 1008 श्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक वाले। दोस्तों जवाब दीजिए फटाफट, और यहां पे जवाब आ रहा है मनीष सिसोदिया, क्या बात है दोस्तों, बापू को मनीष ने लिखा है संगू। अच्छा अच्छी बात है, जैसे भी याद करना याद कर लो। गाइस बापू द अनफॉरगेटेबल किसने लिखा है, ये है भैया दिल्ली के डेप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री, गाइस मनीष सिसोदिया साहब। याद करना, मनीष सिसोदिया ने इस बुक को लिखा है बापू द अनफॉरगेटेबल। सो दोस्तों याद रखना, मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये,
क्या? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम गाइज, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम गाइज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम एंड टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, अभी आपके क्वेश्चन है, अभी आपके केवल 30 मिनट हुए दोस्तों, ओनली 30 मिनट, अभी कम से कम 5 मिनट और जाना चाहिए एटलीस्ट। जवाब दीजिए इसका। और यहां पे जवाब आ रहा है समनम संगु राकेश पदम पानी बोरा। टाइम अप टाइम अप टाइम अप गाइस, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। और प्रतीक चौधरी सर, चारुल सुभाषमित सॉरी सुष्मिता समनम सुनिष्ठा वेल डन सुनिष्ठा, रतीन आफरीन सुभाषमिता वेल डन बच्चे, मानसी सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज पदम पानी बोरा। और गाइस इस बुक को रिलीज किसने किया या इनॉग्रेट किसने किया दोस्तों, तो याद रखना जितेंद्र सिंह। गाइस याद रखना जितेंद्र सिंह, जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? डोनर। गाइस याद रखना जिसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? डोनर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री, ऐसे कुछ कह रहे हैं डोनर, ऐसे कुछ कह रहे करके, ठीक है याद रखना। उधमपुर वाले, एग्जैक्टली संघु उधमपुर वाले। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। ओके आशुतोष भाई, गाइस आजादी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आजादी? धर्मवीर भारती, चेतन भगत, तस्लीमा नसरीन, अरुंधति रॉय। गाइस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आजादी? गाइस आपको पता होगा ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बुक लिखती है हमेशा। आशु प्रणाम प्रणाम, चरण स्पर्श नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, तबीयत पानी कैसा आपका? गाइस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आजादी? दोस्तों फटाफट जवाब दो। और यहां पे जवाब आ रहा है अरुंधति रॉय। और गाइस इनको ज्यादा आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा इनका विवादित स्टेटमेंट होता है, दो लोग बहुत ज्यादा है बेटू, एक तो ये यानी कौन है अरुंधति रॉय, और बेटू एक है तस्लीमा नसरीन। गाइस आपको पता होगा इन दोनों लोगों के बुक थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। और गाइस याद रखना जो बुक या जो मूवी, गाइस याद रखना दो चीजें, जो बुक या जो मूवी, गाइस याद रखना अगर ये कंट्रोवर्शियल हुई यानी कि इसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तो बच्चा पक्का एग्जाम में पटक देगा। आपको बता दें इस बात को, एक कान खोल के सुन लेना, ठीक है? सो गाइस याद रखना क्यों, क्योंकि बच्चों आपको बता दें आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज आई थी, पीके थी, पीके जितनी कंट्रोवर्शियल, जितना क्रिटिसाइज किया गया उतनी कमाई। गाइस तांडव के लिए लोगों ने बवाल किया, जैसा कि सबको पता होगा, हम नहीं कह रहे अच्छा था बुरा था जो भी है, बट बच्चे आपने देखा होगा तांडव, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखे कि क्या मूवी है, इस मूवी में हमें भी देखना है एक्चुअली। सो गाइस याद रखना उससे उनको फायदा हुआ। सो गाइस अरुंधति रॉय ने भी ऐसे ही बुक लिखती है जो आजादी उनमें से एक है जो कंट्रोवर्सियल रही थी दोस्तों, याद रखना। नहीं नहीं नहीं, आजादी ओनली आजादी है बच्चे, विवेक ओनली आजादी है, यही तो कंट्रोवर्सियल था। हाय रिया, गुड इवनिंग बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और पहला आपका ये क्वेश्चन रहा आपका, माय लाइफ इन डिजाइन। गाइस माय लाइफ इन डिजाइन, मनीष मल्होत्रा, गौरी खान, शिल्पा शेट्टी, करण कुंद्रा, किरण खेर। करण कुंद्रा, करण जौहर होना चाहिए, सॉरी गाइस करण जौहर, यहां पे कुंद्रा नहीं, जौहर करो, करण जौहर, ये वो वाला जौहर नहीं आग लगाने वाला, ये जौहर है, करण जौहर, नॉट जौहर, इट्स जौहर। गाइस गाइस वेल डन, बहुत अच्छे, हमें लगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा आर्यन सुहाना अबराम की मम्मी, अरे संगु तुमको तो ऐसा कूटेंगे ना, मतलब की बुद्धि तुम्हारी, तुम सच में असुर हो, दैत्य हो तुम। अविनाश कुमार भाई बी, एग्जैक्टली वेल डन सुपर, सबके जवाब आ रहे हैं वेल डन सुपर। रोशनी राकेश चारू रतीन अविनाश ब्रजेश वेल डन सुपर संगू, बहुत अच्छे बच्चे, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गौरी खान, ठीक है एग्जैक्टली गाइस वेल डन। माय लाइफ इन डिजाइन, गाइस माय लाइफ इन डिजाइन तो कौन है? गौरी खान है। ए प्रोमिस्ड लैंड, गाइस अ प्रोमिस्ड लैंड, जो बाइडेन, हंटर बाइडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस। संगू कहीं जाना नहीं है, शांति से बैठो, जवाब दो। अ प्रोमिस्ड लैंड गाइस, अ प्रोमिस्ड लैंड, क्या बात है संग्राम, बहुत अच्छे लगे रहो सुपर। ओबामा को फिक्स कर दो, अच्छा 100% फिक्स कर दे ओबामा को, भैया इन्हीं की पार्टी सत्ता में आई है। और गाइस दैट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बराक ओबामा। गाइस उन्होंने एक बुक लिखी है अ प्रोमिस्ड लैंड,
गाइस याद करें इनकी बुक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। वेल डन रोशनी, राकेश, मानसी, आफरीन, रतीन, सुपर विवेक, वेल डन बच्चे, सुपर, वेरी वेरी गुड। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज बराक ओबामा। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। लेट अस ड्रीम, गाइस लेट अस ड्रीम, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेट अस ड्रीम? पोप फ्रांसिस, दलाई लामा, तस्लीमा नसरीन, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत? गाइस फटाफट जवाब दो। लेट अस ड्रीम, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेट अस ड्रीम? पोप फ्रांसिस, दलाई लामा, तस्लीमा नसरीन, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत? गाइस जवाब दीजिए इसका, लेट अस ड्रीम। अच्छा पोप फ्रांसिस, प्रतीक चौधरी सर का जवाब आ रहा है लामा यानी दलाई लामा, संगू, मनीषा शेख, अविनाश भाई, पोप फ्रांसिस, राकेश, सबनम, सबनम जा रहे दलाई लामा। ओके गाइस इट्स करेक्ट आंसर, ज्यादा पहेली नहीं बुझाना। और दोस्तों इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोप फ्रांसिस। वेल डन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड, सुपर। जिन्होंने पोप फ्रांसिस को टिक किया, गाइस याद रखना ईसाई धर्मगुरु हैं जैसा कि आपको पता होगा। और गाइस पोप फ्रांसिस, वेल डन पोप फ्रांसिस, ठीक है। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। सो गाइस सेशन, और आपको बता दें गाइस डेली रात के 9 बजे वाले सेशन में लाइव आओ, डेली लाइव आइए आप रात के 9 बजे वाले सेशन में दोस्तों, जहां पर आपको डेली नए नए सेशन देखने को मिलेंगे गाइस। और सुबह 8:30 बजे डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। सो गाइस आप सभी सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, कहीं और नहीं, कहां पर? तो गाइस एग्जाम पास पर। सो दोस्तों एग्जैक्टली संगू गाज गर्दा मच गया, वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और गाइस ऐसे ही लगे रहो, लाइव बने रहो। ओके ब्रजेश भाई थैंक यू, आपको बहुत सारा प्यार। और ओके ब्रजेश भाई हम भी आपसे विदा लेते हैं, कल सुबह 8:30 बजे फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर, सुबह 8:30 बजे यहीं पर आपके घर पर यानी आपके पास ही, और ग्रुप में एग्जैक्टली सामना, हम ग्रुप पे पीडीएफ शेयर करते हैं बच्चे। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।